हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माय सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत न्यूरॉन्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे, न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमने जो न्यूरॉन्स देखा था, न्यूरॉन्स होता क्या है, ठीक है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका टिपिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता कि जो न्यूरॉन होता है उसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट फॉर्म करता है, किसकी बच्चा, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, अगर मोटा मोटा बात करें, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम काम कर पा रहा है वो क्यों कर पा रहा है, बिकॉज न्यूरॉन्स की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हमने इससे पहले वीडियो स्टडी बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया था डिटेल में, एक्सॉन्स, डेंड्राइट, सेल बॉडी। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसा आपको इस फिगर में शो भी किया गया है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है कि नॉर्मली न्यूरॉन्स ऐसा होता है, बट बॉडी के डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, डिफरेंट टाइप का न्यूरॉन्स पाया जाता है डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें, और ये हमें यहाँ पर दिखेगा भी, ठीक है, कि जो एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में क्या मिलेगा आपको, न्यूरॉन में आपको एक नर्व सेल बॉडी मिलेगी, ठीक है, न्यूरॉन में आपको एक नर्व सेल बॉडी मिलेगी, जैसे सेंटर में है, ये आपकी नर्व सेल बॉडी होगी एक न्यूरॉन की, ठीक है। अब इस न्यूरॉन से दो प्रोसेसेस अराइज कर रहे हैं, नर्व सेल बॉडी, सॉरी डेंड्राइट्स, ठीक है, जो शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, ब्रांच्ड हैं, ठीक है, इवन एब्सेंट भी होता है किसी किसी न्यूरॉन में, तो ये क्लियर। तो आपके एक प्रोसेसेस जो कौन से हो गए, डेंड्राइट्स हो गए, जो शॉर्ट हैं, ब्रांच्ड हैं, बहुत सारे एब्सेंट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के जो आपके सेल प्रोसेसेस हैं वो कौन से हैं, वो एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन एक न्यूरॉन के पास हमेशा एक ही होगा, ठीक है, एक न्यूरॉन के पास पास जो है हमेशा सिंगल एक्सॉन होगा, ठीक है। एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ये लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल शो कर रखा है, क्लियर। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे किसी न किसी बेसिस पर हमेशा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, कि कितने पोल्स प्रेजेंट हैं, एक है, दो है, कितने हैं, क्लियर। दूसरा आता है फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कौन इम्पल्स कहाँ लेके आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कौन लेके आ रहा है, परिफेरी तक कौन लेके जा रहा है, इस बेसिस पर, क्लियर। फिर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ एक्सॉन की, किसमें एक्सॉन छोटा है, किसमें एक्सॉन बड़ा है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोल्स की। तो उस बेसिस पर हमने कहा यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टाईपोलर। यूनिपोलर में आपको बच्चा नाम से पता चल रहा है कि एक पोल होगा, ठीक है, सिर्फ एक पोल होगा, उस एक पोल से ही एक्सॉन भी अराइज करेगा और डेंड्राइट भी अराइज करेगा। इससे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पूछा जाता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, बिकॉज हर बच्चा लगा लेगा अंदाज़ा, ठीक है, यूनिपोलर एक पोल है, बायपोलर दो है, मल्टाई ग्रुप में दो से ज़्यादा है, बट मेन चीज़ क्या पूछी जाती है, पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर मिल जाएंगे, जबकि जो बायपोलर न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या होता है, दो पोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक पोल से एक एक्सॉन अराइज होगा, बिकॉज हमेशा एक न्यूरॉन के अंदर आपको एक ही एक्सॉन मिलेगा, ठीक है। अब जो इंक्रीज करेंगे वो क्या इंक्रीज करेंगे, डेंड्राइट्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक पोल से एक्सॉन है बिकॉज बायपोलर है, दूसरे पोल से डेंड्राइट निकलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर से कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना में, इनर ईयर में, ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है, जो ऑल्फैक्शन यानी जो स्मेल से रिलेटेड होता है पार्ट ब्रेन के अंदर, उसमें, क्लियर। फिर हम बात करते हैं मल्टापोलर न्यूरॉन्स की। जो मल्टापोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर क्या है, बहुत सारे पोल्स हैं, नाम से पता चल रहा है, एक पोल से एक्सॉन होगा, क्योंकि एक्सॉन का नंबर हमेशा वन रहता है, बाकी सारे पोल से डेंड्राइट्स होंगे, क्लियर। ये कहाँ पाए जाते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अक्सर आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मल्टापोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड बेसिस पर, सेकंड बेसिस क्या, हमारा फंक्शन के बेसिस पे, कि एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बाकी हमारी जो रेस्ट क्या हुई, परिफेरी बॉडी हुई, ठीक है, रेस्ट पेरिफेरल ऑर्गन्स हुए। तो जो पेरिफेरल ऑर्गन्स तक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, बिकॉज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, मीनिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेंगी, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगी, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, एनालाइजिंग होती है इम्पल्सिस की, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन का काम होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स करना है,
तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जाएंगे, जो न्यूरॉन्स, वेट अ बिट, जो न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाएंगे पेरिफेरल ऑर्गन्स तक, ठीक है, पेरिफेरल ऑर्गन्स तक, तो वो कौन से होंगे? वो होंगे मोटर न्यूरॉन्स, या फिर कहें इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है, क्योंकि इनका कोई इफेक्ट होगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इफरेंट न्यूरॉन्स। फिर हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, पेरिफेरी से लाइट को स्टिमुलस मैंने टच किया, ठीक है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को टच किया, तो अब वो क्या था, वो एक सेंसरी स्टिमुलस है, क्लियर, या फिर किसी ऑर्गन में कुछ गड़बड़ी है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो इंपल्स है, वो ट्रांसफर किया जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक्सॉन लॉन्ग मिलेगा जबकि डेंड्राइट्स शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है। सेंसरी में इसका जस्ट अपोजिट होगा, शॉर्ट एक्सॉन्स होंगे, लॉन्ग डेंड्राइट्स होंगे, क्लियर। और कहने का यही बेसिस हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, क्या है वो, कि एक्सॉन की लेंथ कितनी है, ठीक है। इस बेसिस पर हमने दो क्लासिफिकेशन किए हैं, गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन्स एंड गोल्जी टाइप सेकंड न्यूरॉन्स। जो गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर आपको एक्सॉन लॉन्ग मिलेगा, ठीक है, उनके अंदर आपको एक्सॉन लॉन्ग मिलेगा, जबकि जो गोल्जी टाइप सेकंड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें आपको एक्सॉन शॉर्ट मिलेगा, क्लियर। ये तो हुआ पहला डिस्टिंक्शन जिस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। अब देखते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। जो गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन है ये आपको इनकी जो सेल बॉडी है, इनकी सेल बॉडी तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेगी, ठीक है, कुछ ब्रेन में, कुछ स्पाइनल कॉर्ड में, सेल बॉडी सिर्फ, ठीक है। लेकिन उनसे जो एग्जॉन्स अराइज हो रहे हैं बच्चा, वो आपको पेरिफेरल ऑर्गन्स तक मिलेंगे, ठीक है। सेल बॉडी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट जगह प्रेजेंट है, वहाँ से एग्जॉन्स अराइज हुए हैं जो ट्रैवल करके पेरिफेरी तक जा रहे हैं, क्लियर। लेकिन जो गोल्जी टाइप सेकंड न्यूरॉन्स होंगे जिनमें एग्जॉन्स शॉर्ट हैं, ठीक है, उन वह कहाँ प्रेजेंट होंगे, वे आपके सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वहाँ पर भी कहाँ पर स्पेसिफिकली, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, और बाकी स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, फटाक से हम जो हमने सब पढ़ा है उसका एक जल्दी से रिविजन ले लेते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल भी कह रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसी बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। हमें टिपिकल स्ट्रक्चर भी पता है क्या होगा, नर्व सेल बॉडी होगी जिसे हम सोमा पेरिकैरियन कहते हैं, उससे दो प्रोसेसेस अराइज कर रहे हैं, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस कौन से हुए, डेंड्राइट्स हुए, जबकि लॉन्ग जो एक सिंगल प्रोसेस होगा, ब्रांच होगा, वो क्या होगा, एक्सॉन होगा, ठीक है। ये तो हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट आपको वेरिएशन मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट जो न्यूरॉन्स है अपने फंक्शन के बेसिस पर मॉडिफाइड हो जाएंगे, क्लियर। तो हम पहले बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, यूनिपोलर, बायोपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर में एक पोल, एक पोल से एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट, कहाँ मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा बच्चा। बायोपोलर के अंदर दो पोल होंगे, एक से एक्सॉन अराइज होगा, बाकी से डेंड्राइट अराइज होगा, ठीक है। कहाँ मिलता है, रेटिना, इनर ईयर एंड ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे उनके अंदर बहुत सारे पोल्स होंगे, ठीक है, एक से आपका एक्सॉन होगा, बाकी से आपके डेंड्राइट्स होंगे। ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये आपको मोस्टली जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। जो लेंथ ऑफ एक्सॉन है उसके बेसिस पर हमने गोल्जी टाइप वन, गोल्जी टाइप सेकंड, जिसमें लॉन्ग एक्सॉन है गोल्जी टाइप वन हुआ, जिसमें शॉर्ट एक्सॉन है वो गोल्जी टाइप सेकंड न्यूरॉन हुआ, ठीक है। ये तो था उनका मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का, बट इनके थोड़े और डिफरेंस भी हैं। वो क्या है कि ये क्या करते हैं, जिनमें एक्सॉन लॉन्ग होता है, ठीक है, उनकी सेल बॉडी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगी, लेकिन वो एक्सॉन लंबा है तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, वो पेरिफेरी ऑर्गन्स तक ले जाया जाएगा, ठीक है। जिनमें शॉर्ट एक्सॉन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही रहते हैं, स्पेशली कहाँ पर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, न्यूरॉन्स में, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, कंप्लीट न्यूरॉन्स में ही रहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरी तक नहीं जा रहे हैं। फिर हमने बात करी थी फंक्शन के बेसिस पर, मोटर, जो मोटर इम्पल्स लेके आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी ऑर्गन्स तक, ठीक है, इनमें लॉन्ग एक्सॉन होगा, शॉर्ट एंड राइट होंगे। बाकी जो सेंसर इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक प्रोसेसिंग होने के लिए, वो पेरिफेरी से लेके जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्लियर। इनमें शॉर्ट एक्सॉन होता है, लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें 100 रुपीज़ पर मंथ, जिससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बुक्स एंड टेक बैगर्स। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम, सी नेक्स्ट टाइम।
टेक केयर।